सदैव पूजनीय है, इसलिए सदैव उनको प्रणाम करते। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूं, वो जब देखो तब कहते लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। इसलिए पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे, सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे, इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। ऐसे पैसे पहुंचे कि राखियां बंद नहीं हो रही, अभी लगातार ही चल रही है, आज भी इस मंच पर राखी बांधने के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता हूं। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुगरा हो जाए, लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेके पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। और माननीय मोदी जी का सोच कितना जोरदार है,